हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई एम अवनीश शर्मा एंड टुडे वी डिस्कस द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नहीं करेंगे, पहले हम थ्योरी करेंगे डोर्स एंड विंडोज स्पेसिफिकेशन के, और फिर हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। गुड इवनिंग टू ऑल। बताइए आप सभी कैसे हैं। एक बार चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसके अंदर हम डोर एंड विंडो के स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा आईएस कोड इसके अंदर यूज़ किया जाता है, और उसके स्पेसिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके और बाद में जब इसका पार्ट टू बनाएंगे उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि आजकल जो यूज़ किया जा रहा है CPWD का प्रोविजंस, उसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो तो डोर एंड विंडो के स्पेसिफिकेशन से पहले हम दिखा देते हैं आपको कि कि आपका जो बैच लाइव चल रहा है वो आपका SSJEE Pre चल रहा है। दिस इज़ अ 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर आपको 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस की जा रही है जो अभी लाइव चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 399 में। और राजस्थान जेई का भी चल रहा है, उसमें आपका 299 का है, उसके अंदर आपको 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच चल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि है ना डोर और विंडो की जरूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली यदि मैं बात करूँ आपकी कि डोर का स्पेसिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, विंडो बना रहा हूँ किस लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो दो चीज़ें हैं कि पहले आपका होता है ओपनिंग की, कि जब मैं अपना घर बनाऊंगा तो ओपनिंग रखूंगा उसके अंदर, है ना, जो कनेक्शंस है बिटवीन द रूम्स उसके अंदर कैसे कनेक्शन देंगे, तो बाय द हेल्प ऑफ डोर हम उनके बीच में कनेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। तो हम वहाँ पे आपको डोर को प्रोवाइड करेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये होता है कि वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो तो हमें विंडो को प्रोवाइड करना पड़ता है, और कुछ डोर आपके ऐसी बनाई जाती है जो विंडो से अटैच होती हैं, उनका स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे हम। ओके अब सबसे पहली जो डोर होती है उसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ। तो कौन सा आईएस कोड यूज कर रहा हूँ मैं, तो आईएस कोड 4021 के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि कौन कौन से आपके स्पेसिफिकेशन हम इसमें पढ़ेंगे। ओके तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल पैनल डोर के बारे में, कैसे ये दिखता है आपको और कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं। ये आपका है सिंगल पैनल डोर। सिंगल पैनल मैंने क्यों बोला है, क्योंकि मैंने इसके अंदर जी इसको हम बोलते हैं पैनल, ये वाला पोर्शन क्या होता है, इसको हम पैनल बोलते हैं, और ये आपका सिंगल पैनल है, ठीक है। यदि मैं इसको बीच में से ऐसे दो फ्रेम बना देता तो क्या होता है, ये आपके डबल पैनल हो जाता। अब ये सिंगल पैनल है, इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम पढ़ेंगे ये कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट की बात करूंगा तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको हम हेड ऑफ फ्रेम बोलते हैं। ये क्या होगा, ये पूरा आपका फ्रेम होगा, ठीक है, ये पूरा आपका फ्रेम होता है। इसके डायमेंशन यदि मैं बात करूँ फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो हम जो प्रोवेशन करते हैं वो आपका 1.2 × 2.1 मीटर होता है। इसमें आपका जो 1.2 मीटर होती है वो आपकी विड्थ होगी, और 2.1 मीटर आपका हाइट होगा, ये आपका स्पेसिफिकेशन होता है। ओके अब हम इसको क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग वाला जो टॉप पोस्ट पॉइंट था उसको हम हेड ऑफ फ्रेम बोलते हैं, यहां से हम स्टार्टिंग करेंगे। ओके फिर इसके नीचे मैं चलता हूं, यहां पे आपको दिख रहे हैं ये प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। इसका मेन काम क्या है, इसका जो मेन काम होता है होल्ड फास्ट का वो ये होता है कि भाई जब मैंने अपना डोर बनाया, इस डोर को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा वॉल से, तो उस कनेक्शन के लिए मुझे जॉइंट्स करने पड़ेंगे, तो ये आपके होल्ड फेस्ट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको होल्ड फेस्ट बोलते हैं। बेसिकली ये आपकी एक फ्रेम में मिनिमम 3 प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है, मिनिमम आपके 3 होंगे, मिनिमम 3 हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं ये होल्ड फेस्ट, ये वाला और ये वाला, दिख रहा है आप सभी को। सेकेंड बात हम बात करते हैं, देखो क्या होता है कि यदि आपने ये इनका भी एक स्पेसिफिकेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे, कि यदि आपने यहाँ पे हॉर्न प्रोवाइड नहीं किया है, क्या हॉर्न, ये हॉर्न क्या होता है, कभी कभी हम जो आपका ये डोर वाला फ्रेम है इसको आगे बढ़ा देते हैं उस बड़े हुए पार्ट को, जिससे क्या हो कि फास्टनिंग में आसानी रहे, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन की, कहाँ कहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो उसका एक स्पेसिफिकेशन मैं नीचे दिखाऊंगा आपको, बट अभी आपको बेसिक चीज पढ़नी है ना, साइज क्या है, क्या साइज होता है सब बताने वाला हूं मैं अभी आपको, बट अभी आपको बेसिस ही पढ़नी है कि इनके नाम क्या होते हैं, किसको हम बोलते हैं, किसका क्या नाम होता है। ओके सेकंड हम बात करेंगे कि इसको देखो दो चीजें होती हैं इसके अंदर, एक आपका होगा विड्थ ऑफ आर डोर, ये होती है यहां से यहां तक की, इसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ डोर। जब आप इसको अपनी वॉल के अंदर इसको एम्बेडेड कर देंगे, एम्बेडेड कंसर्न के अबाउट, तो उसको हम मॉड्यूलर हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम मॉड्यूलर हाइट बोलते हैं, और जितना भी मेजरमेंट हम करते हैं वो मॉड्यूलर हाइट में करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे कि कितना आपने एम्बेडेड किया अपने जो डोर है उसको, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी बात हम ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर कुछ और प्रोसेसिंग भी होता है, इसको हम रिबेट बोलते हैं, है ना, यहाँ पे तो उससे मैं इसको नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बॉटम रेल बोलते हैं। यहाँ पे आपका शटरिंग वाला प्रोसेस भी होता है आपकी, यदि आपने विंडो को प्रोवाइड किया तो बाहर खुलेगा, तो वहाँ पे शटरिंग प्रोसेस भी यूज करना पड़ेगा। ये आपका फ्लोर लेवल है,
ये क्या है, ये आपका फ्लोर लेवल है और यहाँ पे आपने मेटल पिन लगाए होंगे जो 4 सेंटीमीटर का डीप होता है, जो नीचे आप इसको एम्बेडेड करोगे। ये था आपका बेसिक स्पेसिफिकेशन, इनको आप ध्यान रखेंगे। ये आपका स्पेसिफिक बेसिक स्पेसिफिकेशन है जो आपके सिंगल पैनल डोर के अंदर यूज किए जाएंगे। अब बात करते हैं इस डोर को खोलने की। अभी तो आपका जो डोर है वो बंद है, जैसे हम इसको डोर को खोलेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जो डोर है वो कितना खुलेगा, है ना, और बंद होगा तो कितने पार्ट में बंद होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं रिबेट। क्या बोलते हैं, रिबेट। रिबेट का मेन पर्पज क्या होता है, यदि मैं बात करूँ रिबेट की, बात करना चाहता हूँ मैं, तो देखो रिबेट का मेन कंसर्न ये होता है आपका कि जब आपका डोर खुलेगा तो उस डोर को मुझे कितना कितना मुझे इसको क्लोज करना है, कितना खोलना है, ठीक है। जब डोर खुलेगा तो उसका कितने पोर्शन में खुलता है, वो बंद होता है, वो डिपेंड करता है इस रिबेट पे, ठीक है, इस रिबेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक नया टर्म होता है उसको बोलते हैं रिवेल। रिवेल, वो रिवेल क्या होता है, जब आपने पूरा फ्रेम बनाया और इस फ्रेम पे अपने ये पैनल कोड लगाए, तो उस पैनल कोड से पहले हम यहाँ पे स्पेसिफिकेशन करते हैं, जिससे क्या हो कि पैनल जो आपके ये पैनल वुड के पैनल हैं ये आराम से आपके फ्रेम में फिटेड हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, रिवेल बनाते हैं। वो आपके ऐसे बनते हैं प्रोजेक्शन, ऐसे प्रोजेक्शन बनते हैं, उनको हम रिवेल बोलते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका बेसिक चीज़ें जिनको हम रिबेटेड और रिवेल बोलते हैं, जो आपके क्लोज विंडो के काम आता है कि विंडो को आपको कितना क्लोज करना है, ओके। बात ये कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कि आईएस कोड जो मैंने आपको बताया था, आईएस कोड 4021 के अकॉर्डिंग, उसके आईएस कोड के अंदर हम इस प्रश्न पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि कितने टाइप के का डोर हो सकता है और किस कंपोनेंट से बना है और कंस्ट्रक्शन का पर्पज़ क्या है। यदि मैं अपना डोर को वुड से बना रहा हूँ, देखो क्या होता है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग डोर बनती है वो वुड से बनती है। किसे बनती है, वुड से बनती है। क्या बनेगी, जो सबसे ज्यादा जो आपकी डोर बनी होती है वो बनी होती है वुड से। तो हमें पता होना चाहिए कि वुड से जब बनेगी आपकी डोर तो उनका स्पेसिफिकेशन क्या है और क्या क्या चीजें हम रखेंगे उसके अंदर, कौन सा जो वुड है उसको लेके आएंगे, उसके अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए और उसके अंदर कौन से हम ऐसे रेजिस्टेंट को यूज करेंगे जिसके अंदर कोई भी डिकेइंग ना हो सके, है ना। रिबेट का फिगर मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है, वो आपका पार्ट टू में दिखाऊंगा मैं, रिबेट और रिवेलिंग वाला, हाँ वो मैं दिखाऊंगा आपको सेकंड पार्ट में, अभी आप फर्स्ट पार्ट को पढ़िए। अब हम बात करेंगे कि देखो जब भी हम अपने डोर और विंडो को पढ़ते हैं वो आपका मॉडुलर विड्थ ऑफ ओपनिंग से पढ़ते हैं। ये आपका क्या होगा, ये आपका मॉडुलर विड्थ ऑफ ओपनिंग होगी। ये आपका डोर वाला विड्थ है जहाँ पे हमने फ्रेम को लगाया हुआ, ये आपका एम्बेडेड वाला पोर्शन होता है, उसको हम मॉडुलर विड्थ ऑफ द ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, तो बात करेंगे कि जब हम टिम्बर को लेके आएंगे तो उस टिम्बर का स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए कि टिम्बर की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो आईएस कोड 12896 याद नहीं करना है, बस उसके स्पेसिफिकेशन पढ़ने की क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि जो आपका टिम्बर बनाया जाता है वो आपके हार्डवुड से बनाया जाता है, किससे, हार्डवुड से बनाया जाएगा, ठीक है, आपका हार्डवुड से बनाया जाता है आपका ये जो डोर बनाया जाएगा और इसके अंदर क्या होगा, डीके रेजिस्टेंट होगा। अब क्या करता है, इस पर भी डिपेंड करता है कि जो वर्टिकल फ्रेम बनाया जाता है और साथ में जो आपका मैं बात करूं विड्थ ऑफ द फ्रेम होती है, पैनल कोट होते हैं, वो अलग अलग वुड से बनते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि वर्टिकल टिम्बर लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्टिकल टिम्बर जो पोस्ट होते हैं वो आपके बनाए जाते हैं सेम स्पेसीज विद द सॉफ्ट वुड से बनाए जाते हैं, जिसके अंदर कोई भी मैं बात करूंगा कि कोई आपके पोरस नहीं होना चाहिए, जिससे क्या हो कि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ओके। जो आपके बॉटम सिल ऑफ विंडो बनाए जाते हैं वो आपके हार्ड वुड से बनाए जाते हैं, जिसके अंदर पोरस वुड होते हैं, ठीक है। बात समझ आई, नहीं आ रही मेरी, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि वर्टिकल टिम्बर जो पोस्ट बनाए जाते हैं, ये वर्टिकल फ्रेम वाला पोस्ट, इसको हम अलग वुड से बनाते हैं, और जो आपका सिल वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट और ये वाला डोर फ्रेम वाला पार्ट, ये हम अलग से वुड से बनाते हैं, जिसके अंदर जो हम विंडो में यूज करेंगे, ठीक है, और वो आपका हार्डवुड से आता है, क्योंकि हार्डवुड ही आपका स्ट्रॉन्ग टिम्बर प्रोवाइड करेगा आपको। अब बात करेंगे ग्लेज्ड एंड द पैनल डोर के बारे में, है ना, ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें। अब जो इसका स्पेसिफिकेशन है, जो आप बोल रहे हो रिवेल रिबेट क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं डोर के बारे में और कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, वो पता होना चाहिए। पार्ट टू में आपको फिर समझाऊंगा मैं कि रिबेट रिवेल कितना होना चाहिए, होल्स कितना होना चाहिए। अभी हम आईएस कोड का स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे फिर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्लेज एंड द पैनल डोर की। अब हम बात करेंगे ग्लेज क्या होता है, यदि आप अपने डोर के अंदर ग्लासेस भी यूज कर रहे हैं,
ग्लासेस भी यूज कर रहे हैं तो उसको हम ग्लेज्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ग्लेज एंड पैलेट डोर को बात करते हैं तो सबसे पहली प्रोसेस आपके अंदर आता है उसको हम बोलते हैं स्कैन टेलिंग करना। तो स्कैन टेलिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपनी डोर को बनाएंगे या विंडो को बनाएंगे उसका एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसका? आपका एक प्रॉपर प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, उसको हम स्कैन टेलिंग बोलते हैं। ठीक है, उसका एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ टिम्बर की, तो वो सब आपके इसके अंदर आता है। ओके, यहाँ पे आपके लिए जब आप ग्लेज एंड पैनल डोर को यूज कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रिबेट है। क्या होता है रिबेट? बता चुका हूं मैं पहले भी आपको रिबेट, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि रिबेट का मतलब क्या होता है। रिबेट का मतलब मेन पर्पस ये होता है कि आपका जो डोर है, डोर ऑफ जैम है, उसको आप दोबारा से कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लो कि आपका ये आपका डोर था, ये डोर आपने खोल दिया, अब इस डोर को बंद करना है तो वो कितना जाएगा, कितना डायमेंशन आपका पीछे जाएगा, बैक जाएगा, उसको हम रिबेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इसके लिए एक वर्ड होता है, इसको हम टेक्निकल वर्ड बोलते हैं, उसका नाम होता है रिसेस। ये आपका एक टेक्निकल वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कि आपका डोर कितना गोइंग बैक जाएगा, उसको स्पेशल प्रोवाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिबेट। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखो इसमें क्या 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 डिफरेंस है आपके सिंगल पैनल डोर के से और ग्लास पैनल डोर में। ओके, देखो ये बात करेंगे, जो आपका हेड ऑफ फ्रेम है इसके अंदर आपने ग्लासेस भी यूज किए हैं, उसको हम ग्लेस पैनल बोलते हैं। डोर फ्रेम आपका ये है, इसको हम डोर फ्रेम बोलेंगे। यहाँ पे आपने क्या किया है, दो पैनल कोट भी यूज करे हैं। देखो यहाँ पे ये आपके डोर विंडो के पैनल कोट यूज करे हैं। ये क्या है आपके टिम्बर के पैनल कोट है इसके अंदर, आप इसलिए मैंने इसको आपका ग्लेस एंड पैनल डोर बोला क्योंकि आपने इसमें ग्लासेस और पैनल दोनों यूज करे हैं। ठीक है, और तीसरी बात मैं बात करना चाहता हूँ आपके कि लॉक रेल के बारे में। यहाँ पे आपका लॉक रेल भी होगा, बॉटम रेल और सब जो स्टेशन है वो पहले वाली है, बस आपका मेन मेन चीज आपको बताना चाहिए क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कुछ मेन चीजें मैं बता देना चाहता हूँ आपको जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सुनो, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि देखो बात आती है अब साइज ऑफ बिल्डिंग की, इसकी साइज क्या होगा, साइज का स्पेस है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या फिर आप किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, तो जब मैं बात करूंगा कि यदि आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो उसके लिए हम बोल देते हैं कि इसका जो डायमेंशन है इज नॉट लेस देन 0.9 मीटर इंटू 2 मीटर होना चाहिए। ठीक है, 0.9 मीटर आपका विड्थ है और 2 मीटर आपका ये हाइट है, ये होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये आपका होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मेन पर्पस। और देखो मिनिमम साइज ऑफ यूज जो हम यूज करते हैं बाथरूम के अंदर, बाथरूम एंड आ वाटर क्लोजेस्ट, वाटर क्लोजेस्ट वो आपका होता है 0.75 मीटर इंटू 1.9 मीटर। ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी बात ये बात ध्यान रखेंगे कि यदि आपका स्क्रीन डोर है, यदि आपका स्क्रीन डोर है, वो डोर जो आपका विंडो की तरह यूज किया जा रहा है, उसका स्पेसिफिकेशन आपका होता है 0.75 से लेके 1.9 मीटर। ये आपका स्पेशल टाइप है, ये मेन आपका स्पेसिफिकेशन है जो आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो बाथरूम एंड द वाटर क्लोजेस का आपका डायमेंशन क्या होता है, रेजिडेंशियल इसकी वैल्यू हमें ध्यान रखेंगे, ये इससे लेस देन कभी नहीं होना, इट इज नॉट लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू हो सकती है आपकी बाथरूम वाटर क्लोजेस के लिए, लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए कभी भी ये वैल्यू आप कभी भी इससे कम नहीं रखेंगे, हमेशा इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा ही होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। स्क्रीन डोर कौन से होते हैं? स्क्रीन डोर का मतलब ये होता है वो डोर जो आपका विंडो की तरह भी काम में आ रही है उनको हम बोलते हैं। ठीक है, यदि आप अपनी विंडोज को डोर की तरह यूज कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं स्क्रीन डोर। ओके, ये बात ध्यान में आई आपको। अब ग्लेस पैनल डोर के बारे में बात करते हैं, अब हम बात करते हैं विंडो के बारे में। विंडो की कुछ चीजें स्पेसिफिक के बारे में बता देना चाहता हूं मैं आपको। ओके,
देखो अब हम बात करेंगे कि आपका हेड विंडो के बारे में बात करता हूँ कि कौन कौन सी चीजें होती है। मेन मेन चीज पढ़ लो अभी, फिर आपका जो डीप में बताऊंगा पहले, क्योंकि आपको बेसिक चीज नहीं पता होना चाहिए कि कौन सा आपका हेल्थ होल्ड फेस्ट होता है, कौन सा आपका ट्रांसम होता है, कौन सा आपका ग्लास पैनल होता है। डायमेंशन पढ़ लेंगे बट बेसिक टेक्निकल चीज आपको पता होना चाहिए आज। ओके देखो अब मैं बात करता हूँ, जिसके अंदर देखो डीप स्क्रीन होती है ना, डीप रिसीवर होते हैं उनको हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हेड ऑफ फ्रेम के बारे में। तो यहाँ पे आपका ये आपको दिख रहा होगा, ये विंडो वाला फ्रेम है, इसको बेसिक विंडो हम बोलते हैं। और इस विंडो के अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के जो टेक्निकल टाइम को पढ़ेंगे। ग्लास पैनल, ये जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन जहां से कनेक्ट होता है ग्लास पैनल, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, स्टाइल बोलते हैं इसको। ओके ये बात ध्यान रखेंगे, ये ग्लास पैनल है, ये आपका बॉटम रेल तो पता ही है आपको। अब पढ़ते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्कमैनशिप क्या होती है। पहली वर्कमैनशिप का मेन पर्पस ये है कि जो आप टिम्बर को लेके आए हैं उस टिम्बर के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि टिम्बर के अंदर क्या हो, कि मॉइस्चर कंटेंट का आपका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन किया गया हो आपने। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपने जो टिम्बर यूज करा है वो ट्रूली स्ट्रेट एंड स्क्वायर होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये रहेगा, फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहेगा कि जो टिम्बर है उसकी सोइंग अच्छे से की गई हो। ठीक है, वर्कमैनशिप का मतलब, कंस्ट्रक्शन वर्कमैनशिप का मतलब ये होता है कि जो जो मैं इसके अंदर कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ उस कंपोनेंट का क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। मान लो मैं टिम्बर यूज कर रहा हूँ तो उस टिम्बर का मॉइस्चर कंटेंट, उसका डायमेंशन और उसका पर्पस, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं किस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, किस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। किसके लिए यूज करता हूँ, देखो हम बात करेंगे। टिम्बर शैल बी शोन, जो आपका क्या होता है कि जो टिम्बर होता है उसको मैं बेसिकली ऐसे शोन करूंगा जिसमें आपका स्ट्रेट एंड स्क्वायर पोजिशन बने। ओके क्या बने आपका, जो आपका स्ट्रेट एंड स्क्वायर पोजिशन बने उस पर हम बात करेंगे। स्कैंटेलिंग करनी चाहिए, स्कैंटेलिंग मतलब होता है डायमेंशन, आपकी जो डायमेंशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए तभी हमका मेन काम बनेगा इसके अंदर। और लिखा हुआ है सरफेस टचिंग बी वॉल मे बी नॉट बी अ प्लांट अनलेस इट इज रिक्वायर्ड। और हम बात करेंगे आगे, तो ये लिखा हुआ है ऑल मेंबर ऑफ अ फ्रेम शैल बी एग्जैक्टली एट राइट एंगल, द राइट एंगल शैल बी चेक्ड फ्रॉम आ इनसाइड सरफेस ऑफ द रिस्पेक्टिव मेंबर। मतलब क्या है, जब भी आप फ्रेम को यूज कर रहे हैं, हाँ विंडोज में होते हैं, सिर्फ विंडोज में होते हैं, विंडोज में होते हैं। अबे जी जो आपके ये स्टाइल, स्टाइल की स्पेलिंग ये नहीं होते हैं, स्टाइल, ये वाला टाइल है, स्टाइल वाला। ठीक है, स्टाइल वाला। ओके तो क्या है, ऑल मेंबर ऑफ अ फ्रेम शैल बी एग्जैक्टली एट अ राइट एंगल्स एंड द राइट एंगल शैल बी चेक्ड फ्रॉम द इनसाइड सरफेस। देखो क्या होता है, जितने भी आपके फ्रेम बनाए जाएंगे वो आपके राइट एंगल पे होना चाहिए। लो अब सही है, तो ये क्या होगा, इसको हम राइट एंगल पे दिखेंगे। ऑल मेंबर ऑफ फ्रेम शैल बी स्ट्रेट विदाउट एनी वार्प, है ना, उसके अंदर क्या होना चाहिए, वार्पिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब डिफेक्ट्स इन टिम्बर को हमें रिमूव करना है, डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर को हमें रिमूव करना पड़ेगा इसके अंदर, जिसके अंदर कोई वार्पिंग नहीं होनी चाहिए। ये सब क्या होते हैं, वार्पिंग और बोई क्या होते हैं, ये आपके सीजनिंग के डिफेक्ट्स होते हैं। सीजनिंग के जो डिफेक्ट्स होंगे वो आपके रिमूव होने चाहिए जब आप टिम्बर को यूज कर रहे हैं। बात समझ सभी को। अब हम बात करते हैं विंडो विद अ फोल्डिंग शटर। अब देखो क्या होता है, जब हम विंडो को यूज करते हैं तो उसके अंदर शटर यूज करते हैं। शटर का मेन काम होता है ओपनिंग करना। क्या होता है, शटर का जो मेन काम होगा वो आपका ओपनिंग करना होगा। जैसे आपका ये टॉप फ्रेम है तो आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्शन इसके अंदर कि ये आपके फोल्डिंग शटर है। ये क्या है, ये इनको हम बोलते हैं फोल्डिंग शटर। ओके तो विंडो के अंदर ये आपका बॉटम फ्रेम है, ये खुल, जो फोल्डिंग शटर है इनका मेन काम होता है आपको ओपनिंग देना। स्पेसिफिकेशन दूंगा जो आपका सीबीडब्ल्यूडी यूज करता है ना। सीबीडब्ल्यूडी का जो मैनुअल है उसके बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको, जब आप जाओगे जॉब में, जब आप उसको यूज करोगे। ठीक है, जिनको पहले से पता होते हैं उनके, उनको फायदा होता है फिर वहां पे, जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका होगा, इनको हम टॉप फ्रेम्स बोलते हैं। इसके इसके बाद ध्यान रखें, अब जैम्स क्या होता है, ये जैम्स नहीं है, जैम्ब होता है। ठीक है, जैम्स क्या होता है, जब भी आप डोर को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जब भी आप डोर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो डोर को प्रोवाइड करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आपका ये डोर का फ्रेम है, ये फ्रेम बन रहा है, इस फ्रेम में आपने पैनल को यूज कर लिया। पैनल को फास्टनिंग करने के लिए हम यहां क्या करते हैं, ऐसा स्पेसिफिकेशन देते हैं, ऐसा। ठीक है, इस स्पेसिफिकेशन को हम जैम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे मान लो क्या करें, मैंने ये फ्रेम बनाया,
अब इस फ्रेम को यदि मैं आपका 2D डायरेक्शन में देखूं तो मैं ऐसा प्रोवाइड करूंगा, तो ये जो आपने प्रोजेक्शन दिया इसको क्या बोलते हैं, इसको हम जैम्स बोलते हैं, जैम बोलते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, ट्रांसम बताऊंगा अभी, ट्रांसम क्या होते हैं बताऊंगा अभी, रुक जाओ आगे मत भागो, पीछे रहो, ये आपका जैम्स होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे जॉइनरी के बारे में कि अब देखो क्या है कि ये आपका फ्रेम है, इस फ्रेम को मुझे इस शटर के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो क्या करेंगे इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स यूज किए जाते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स यूज के। जैम्स का मेन पर्पस ये होता है आपका जो फ्रेम बना है वो ट्रूली अपने जो आपके शटर अपने यूज करे हैं या फिर पैनल यूज करे हैं उन पैनल को ढंग से जोड़ सके, है ना, तो क्या करें उन ढंग से उनको जोड़ सके उसको हम बोलते हैं कि ये आपका, ये आपके जैम्स है, ये आपकी ईयर प्रोजेक्शन, यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा पैनल कोड को, तो पैनल कोड को जोड़ने का मेन काम इसका जैम्स का ही होता है। ओके, अब बात करते हैं जॉइनरी की, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइनरी हम यूज करते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइनरी कौन से होते हैं, तो फ्रेम ऑफ टिम्बर विंडो एंड द वेंटिलेटर शैल बी असेंबल ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स, तो तीन तरह के जो जॉइंट्स हैं, हाँ तीन तरह के जो जॉइंट्स हैं हम उसको यूज करते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं कि जो आपका जॉइनरी हम बात करते हैं, जॉइंट्स की बात करेंगे, तो तीन तरह के जो जॉइंट्स हैं हम उनको यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो बात करेंगे इसके अंदर कि सिंगल डोवटेल जॉइंट्स होते हैं, क्लोज एंड द मोर्टाइज्ड टेनन जॉइंट्स होते हैं, द होंच एंड द मोर्टाइज्ड टेनन जॉइंट्स होते हैं, तो ये आपके तीन तरह के जॉइंट्स हम प्रोवाइड करते हैं। आपने नाम भी सुना होगा मोर्टाइज एंड द टेनन जॉइंट्स, जो आप फ्रेम में यूज करते हैं, मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट्स, ठीक है। इनमें हमने कोई भी वेल्डिंग नहीं की है, बट हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्शंस, हाँ विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्शंस हम इसको यूज करेंगे। ओके, अब देखो बात करेंगे कि डिवेल जॉइंट्स इज फॉर्म एट द कॉर्नर ऑफ अ टू पीसेस इन सच ए वे दैट द नोच मेड ऑन द फिटेड एग्जैक्टली इन द प्रोजेक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग साइज इन द शेप, तो क्या होता है जब ये मैं विंडो को बनाऊंगा तो विंडो में आपका फ्लैट जॉइंट्स नहीं चल पाएंगे, तो क्या होता है जो आपका शटिंग वाला पोर्शन होता है वो ऐसे निकला हुआ होता है बाहर साइड, ऐसे निकला हुआ होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट टाइप का जॉइंट देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं आपका डोवटेल जॉइंट्स, आप मोर्टाइज या टेनन जॉइंट बोलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि वेज शेप में क्या क्या चीजें होती हैं, उनको बारे में बात करेंगे, कौन कौन से जॉइंट्स हम प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर। दिस जॉइंट इज यूजुअली अडॉप्टेड व्हेन द फ्रेम इज नॉट बिल्ट एज इन द वर्क प्रोसेड, जब हम उसको क्या कर रहे हैं, जब भी आप अपने फ्रेम को बना रहे हैं विंडोज के फ्रेम को, आप उसको यूज करेंगे, पहले ही उस जॉइंट्स को बना लेंगे, कैसे बनाएंगे ध्यान रखते हैं। अब बात कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, अब वो क्या है कि ये आपका स्पेसिफिकेशन है जो यूज करते थे पहले, अब नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आपका गवर्नमेंट CPWD का मैनुअल है, वो बताते हैं हमें कि डोर और विंडो को हमें कैसे स्पेसिफिक करना है। ओके, देखो कैसे करेंगे, जब मैं बात करूंगा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बारे में, ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का क्या मतलब होता है, जो मैं टिम्बर यूज कर रहा हूँ उस टिम्बर के अंदर कौन से ग्रेड यूज करने हैं, कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं, क्रॉस ग्रेन डिफेक्ट होते हैं, बेसिकली जो आपका टिम्बर यूज कर रहा है उसके अंदर नोट्स होते हैं, उन नोट्स को यदि आपके टिम्बर के अंदर नोट्स हो रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, बट क्या होता है उसका एक स्पेसिफिकेशन है कि डायमेंशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। बोला गया आपका कि एक होता है आपके साउंड नोट्स, जिनको हम लाइव नोट्स बोलते हैं, उनका मैक्सिमम साइज 20 mm होना चाहिए। मैक्सिमम साइज कैसे देखते हैं, यदि आपका ये नोट बने हैं, मान लो आपके नोट बन गए, तो इनका जो डाया है उसके स्पेसिफिकेशन से हम बात करते हैं कि वो आपका 20 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम साइज ये होता है, और ये आपका 20 mm का साइज 1 मीटर की लेंथ पे, 1 मीटर की लेंथ पे होना चाहिए। मैंने यदि 1 मीटर की लेंथ पे निकाला तो 20 mm से ज्यादा का आपका नोट नहीं होना चाहिए, यदि आपका नहीं हो रहा तो ये फर्स्ट ग्रेड से बाहर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में ये होता है कि आपका 35 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे आपको बस ये समझना है, ज्यादा कुछ नहीं समझना है, ना ये रटना है पूरा पूरा, बस आपको ये समझना है कि जब हम बात करेंगे नोट की, नोट के स्ट्रक्चर की, कि जो आपका नोट क्या प्रोवाइड करता है, तो जो आपका नोट होगा वो हमें ये बताएगा कि आपको कौन सा टिम्बर यूज करना है, उसका स्पेसिफिक क्या है, कितने प्रोसेस में हम यूज कर सकते हैं, ये बताएगा आपको। ओके, अब हम बात करते हैं, पिक्चर से समझाता हूँ, दो चीजें पिक्चर के लिए समझाने वाली है वो समझा रहा हूँ। देखो ये क्या है, इसको हम डिवेटेल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है, डोवटेल जॉइंट्स बोलते हैं, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, पहला जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम मोर्टाइज बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम मोर्टाइज बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम टेनन बोलते हैं,
ठीक है। देखो मैं समझाना चाह रहा था आपको, सुन लो ध्यान से, जो टिम्बर मैं यूज कर रहा हूँ उस टिम्बर के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसका मॉइस्चर कंटेंट डिफेक्ट्स फ्री होना चाहिए। यदि डिफेक्ट हो रहा है तो बेसिकली जो डिफेक्ट दिखा जाता है वो नोट का दिखा जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से नोट्स बन रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। अब जब मैंने को नोट को बनाया तो ये बात करते हैं कि उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, कि फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के लिए क्या क्या डायमेंशन होना चाहिए। ओके, यदि मैं बात करूँ फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड का अलग स्पेसिफिकेशन है और सेकंड ग्रेड का अलग स्पेसिफिकेशन है। वो डिपेंड करता है डाया पे कि भाई जो आपने डाया यूज किया है वो कौन सा है, उसको हम बोलते हैं आपका टिम्बर के अंदर कौन कौन सा स्पेसिफिकेशन है। बात समझ में सभी को? अब हम बात करेंगे आपके जॉइंट्स की। जब आप अपने डोर और विंडो को जोड़ोगे तो उसके अंदर कौन से जॉइंट्स को प्रोवाइड करना पड़ता है आपको, तो क्या होगा, ये जो आपका जॉइंट्स है इसको हम इस वाले पार्ट को हम हेड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोर्टाइज पार्ट। ये आपका मोर्टाइज है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या है, ये आपका मोर्टाइज वाला पार्ट है, इसके अंदर हम इसको फिल करेंगे, या इसको हम बोलते हैं टेनन। मोर्टाइज और टेनन जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। जब भी आपसे बोला जाए कि कौन सा जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, तो आपका मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट को हम प्रोवाइड करते हैं अपने आपके डोर एंड फ्रेम के अंदर। बात करेंगे आपकी जो सेकेंड वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड मोर्टाइज टेनन जॉइंट। ये आपका क्लोज और मोर्टाइज टेनन जॉइंट है। इसके अंदर क्या होगा, इसके देखो इसमें क्या है, इसमें आपका सिंगल फ्रेम है। अब इसका डायमेंशन क्या हो गई, इसकी डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होता है वो अभी मैं बताऊंगा क्या होती है डायमेंशन। अभी सुन लो ध्यान से कि आपका जो क्लोज मोर्टाइज जॉइंट होता है वो आपकी मिडल पोर्शन से होता है। इसके इस वाले पार्ट के अंदर ये आपका विड्थ ऑफ टेनन को हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे, ये आपका विड्थ ऑफ टेनन होगा, ये आपका थिकनेस ऑफ टेनन होगा, और इसके अंदर हम इसको फिलअप करेंगे। जो पार्ट बच जाता है उसके अंदर हम वुड के वेज लगाते हैं, वुडन वेज लगाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपका वुडन के वेज लगाए जाएंगे। अब बात करते हैं मेन चीज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, चलो समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ में आ रहा था फिर भी सुन लो ध्यान से। डोवटेल और मोर्टाइज में क्या डिफरेंस है, डोवटेल के अंदर देखो क्या होगा, आपका जो डायमेंशन यहाँ पे देखो एंड पॉइंट पे बना है, एंड पॉइंट पे आपने इसको जॉइंट किया है, एंड पॉइंट पे दोनों को जॉइंट किया है। जबकि यदि आप मिड से जॉइंट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्लोज टेनन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्लोज टेनन। दिख रहा ना आप सभी को, फिगर दिख रहा होगा, फिगर में दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों के फिगर में थोड़ा समझ लो, फिर मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा चीज़ें क्या है। अभी थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन पढ़ लो क्या होता है। देखो जब मैं बात करूंगा इसके स्पेसिफिकेशन की, कि जो आपकी क्लोज मोर्टाइज टेनन जॉइंट है उसके अंदर जो टेनन वाला पार्ट है आपका क्या है, जो आपका टेनन वाला पार्ट है उसका थिकनेस हम बोलते हैं कि वो आपका 1/3 होता है आपके मेंबर का। मान लो कि आपके ये मान लो ये आपका टेनन वाला पार्ट है, तो इस टेनन का जो विड्थ होगा, टेनन का विड्थ होगा उसका 1/3 पार्ट का थिकनेस हम यूज करेंगे इस वाले पोर्शन में, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी थिकनेस होती है, ये आपकी थिकनेस होती है, दैट द मेंबर एंड द विड्थ ऑफ द टेनन नॉट एक्सीड द 5 times ऑफ द थिकनेस। ओके, और जो आपका विड्थ होगी टेनन की, इसकी विड्थ, ये थिकनेस होगी 1/3 ऑफ इसका थिकनेस से। और मैं बात करूंगा कि जो आपका इसका विड्थ होगा, इस वाले पोर्शन का जो विड्थ होगा वो आपका इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए आपके 1/5 times, ये बात ध्यान रखेंगे, 1/5 times होते हैं। ओके, अब बियॉन्ड द पोस्ट, अब क्या होगा, इन द केस ऑफ द हेड यूजुअली प्रोजेक्टेड फ्रॉम द 50 to 1000 mm होते हैं। इसके अब बात करेंगे, इसके अंदर हॉर्न्स को प्रोवाइड किया जाता है, हॉर्न्स इसके अंदर ही एडजस्ट करे जाते हैं। जो मैंने बताया था आपको कि ये वाला जो पार्ट होगा डोर का, ये वाला पार्ट जो निकला होता है बाहर, जैसे आपने ये फ्रेम बनाया तो ये जो पार्ट बाहर निकला होता है इसको हम हॉर्न्स बोलते हैं, और इस हॉर्न्स को इस मोर्टाइज जॉइंट से कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलो अब बेसिक चीज पढ़ लेते हैं, जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको ज्यादा क्लियर रहेंगी, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्लियर रहेंगी, इसको देख लो ध्यान से। अब देखो क्या होता है, जब मैं डोर एंड विंडो को पढ़ता हूं तो मेन चीज आपकी होती है कि आपने जो यूज कर रहे हैं वो टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी हम टर्म्स यूज करते हैं इसके अंदर। बात करेंगे कि विड्थ की बात करेंगे, तो जो आप जब भी आप बात की जाती है कि भाई डोर और विंडो का कितना विड्थ हो रहा है, तो उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है। जैसे मैं डी मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब आपका डोर होता है, ठीक है, डब्ल्यू का मतलब आपका विंडो होता है,
और वी का मतलब आपका वेंटिलेटर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एस का मतलब होता है सिंगल शटर, एस का मतलब सिंगल शटर होगा, और आपका जो टी होगा वो आपका डबल शटर होगा, 1/5 टाइम्स एंड द 5 टाइम्स। देखो ये आपका क्या है, ये आपका टेनेंट पार्ट है, इसका कोई थिकनेस होगा, मान लो इसका जो थिकनेस है वो टी वन है, तो इस वाले पार्ट का जो थिकनेस होगा इसका 1/3 होगा इस टी वन का, ओके। पहली बात तो ये, दूसरी बात यदि मैं बात करूं इसका विड्थ का, जो इसकी विड्थ होगी उस इसका विड्थ यदि मैं बी वन मानता हूं तो इसका जो विड्थ होगा वो 1/5 होगा इसका बी वन का। ये होता है इसका स्पेसिफिकेशन टेनन जॉइंट्स का, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जैम्प, जैम्प कौन सा, देखो जिन स्टूडेंट को जैम में कन्फ्यूजन हो रहा है उसको मैं आपको दिखाऊंगा फिगर, है ना। वैसे मुझे लग रहा था मुझे पहले वो पढ़ाना चाहिए था जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे, वो वीडियो में डाल दूंगा, उसमें आपको पढ़ लेना। देखो क्या है कि जब आपने अपने डोर को बंद किया, तो जब मैं डोर को बंद करता हूँ तो जो पार्ट आपको बाहर दिखता है, ये जो बाहर वाला पार्ट आपको दिखता है इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं आपका, है ना, इसको मैं आपका जैम बोलूँगा, जैम बोलूँगा जो आपका बाहर पार्ट दिखेगा, ठीक है। बात करते हैं हॉर्न्स की, तो हॉर्न्स वो वाले पार्ट होते हैं जो आपके फास्टनिंग के लिए काम आते हैं। ये पोजीशन जो आपका का यहाँ पे बचा होगा ये डोर वाला, इसको पार्ट को हम फास्टनिंग के लिए करते हैं, उसको हम हॉर्न्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये डिफरेंट टाइप के पोजीशन होते हैं जिनको हम, डी से आपका डोर होगा, डब्ल्यू से आपका विंडो होगा, वी से आपका वेंटिलेटर होगा, और साथ में एस से सिंगल शटर, और टी से आपका डबल शटर की बात करते हैं, ओके। अब देखो बात करते हैं 12DT का मतलब क्या होता है। यदि मैं आपसे कोई बोला जाए कि सर आपको दिया, ये क्वेश्चन आपके जीपीएससी में भी आया था, उनसे जीपीएससी में भी आया था, उन्होंने बोला था आपसे कि आपको दिया हुआ है 12DT20, क्या मतलब होता है इसका, ओके। तो क्या होगा, जो 12DT20 है उसका मतलब क्या है, तो 12 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फ्रेम ऑफ अ डबल शटर, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका कि आप एक फ्रेम को यूज कर रहे हैं वो आपका डबल शटर है, एंड इसके जो डोर है इसकी विर्थ आपका 12 मॉड्यूल है, और जो हाइट है वो आपके 20 मॉड्यूल है। ये आपका विर्थ हो गया और ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे बोलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। तो ये बात ध्यान रखना है कि आपका 12DT का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब आपका विड्थ हो गया, मॉड्यूल्स की हाइट होती है, जिसमें आपको बता भी रहा था पहले कि हम जो यूज करते हैं वो आपका 1.2 से लेके 2.1 मीटर का डायमेंशन यूज करते हैं, तो वही आपका लिखा हुआ है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली करके, वही प्रोजेक्शन है आपका, ओके। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये आपका 12DT20 वुड मींस आपका ये मतलब होता है। लोकेशन, आप होल्ड फेस्ट का लोकेशन क्या होता है, देखो मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले कि होल्ड फेस्ट कौन से होते हैं। ये आपका फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर आपने ऐसे प्रोजेक्शन करके इन होल्ड फेस्ट को प्रोवाइड किया, अब क्या होगा कि इनका जो डायमेंशन होगा वो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बोला जाता है आपके कि यदि आप ईच साइड के अंदर दो फ्रेम के ईच साइड पे आपको मिनिमम 3 होल्ड फेस्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, 3 होल्ड फेस्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है आपका। साइड ऑफ द डोर फ्रेम एंड द सेंटर ऑफ द पॉइंट एंड अदर इज 2 at 30 cm, मतलब क्या होता है इनको, अब देखो इनका प्रोजेक्शन क्या है, मॉड्यूल्स का मतलब बता चुका हूं मैं पहले, आप जाके देखो प्रीवियस क्लास में, ठीक है, कि क्या होता है इसका मॉड्यूल का मतलब, ठीक। अब हम बात करेंगे कि होल्ड फेस्ट के अंदर, देखो मैं पहले इसको, इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो ऐसे होता है कि मैंने ये फ्रेम बनाया तो इसके सेंट्रल पार्ट से मैं पहला होल्ड फेस्ट लगाऊंगा, पहला मैंने होल्ड फेस्ट लगाया और फिर इसके 30 cm इधर और 30 cm इधर, फिर मैं दूसरा लगाऊंगा यहाँ पे और फिर यहाँ पे दूसरा लगाऊंगा और नीचे भी मैं ऐसे लगाऊंगा, ये आपका मेन पार्ट होता है, ठीक है। मेन पार्ट आपका ये होगा लगाने का इसका, तो यहाँ पे लिखा हुआ भैया टॉप एंड द बॉटम इज 30 cm फ्रॉम अ फ्रेम एक्सपेक्टिंग इन द केस ऑफ हॉर्न। हॉर्न के केस में ऐसा नहीं होता है, यदि आपने हॉर्न भी प्रोवाइड किए गए हैं, है ना, यदि आपका ये वाला पार्ट बाहर निकला हुआ है हॉर्न वाला, तो उस वाले केस में क्या होगा कि आपको 2 होल्ड फोस्ट लगाना पड़ेंगे, है ना। ये हॉर्न वाला पार्ट किस में आता है, विंडोज में आता है, और उस विंडोज में आपको, विंडोज में ज़्यादा पर्पज होता है इसका, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको 2 होल्ड फोस्ट मिनिमम यूज़ करने पड़ेंगे,
तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि डोर के अंदर आप मिनिमम 3 को प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और जो आपका विंडोज होगा उसके अंदर आपको मिनिमम 2 प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी मेन पर्पस है। अब देखो, अब आपको कुछ समय में नहीं आया हो या नहीं आया हो, अब मेन चीज़ है वो आपको समय में आएंगी एग्जाम, ठीक है। ये वाला स्पेशल मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है, इमेज के साथ, इमेज से ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको चीज़ें, ठीक है। डाल दूंगा मैं वीडियो, वो रिकॉर्ड डाल दूंगा, टेंशन मत लेना। अब ये मेन चीज़ है वो पढ़ लेते हैं, वो आपके आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डोर के बारे में। टाइप्स ऑफ डोर जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी डोर आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पहले मैं कुछ आपको स्पेसिफिकेशन बता देना चाहता हूँ विंडोज के बारे में। मैंने आपको डोर के बारे में बताया था, अब मैं कुछ विंडोज के बारे में बता देना चाहता हूँ। विंडोज का स्पेसिफिकेशन मैं बता देना चाहता हूँ आपको, प्रोवाइड क्यों करते हैं। बेसिकली जो प्रोवाइड करने का मेन पर्पस होता है, एसी लगाने का पर्पस होता है कि आपको अपना एसी लगाना है। नहीं, एसी लगाने का पर्पस नहीं होता है, विंडो प्रोवाइड करने का पर्पस ये होता है वेंटिलेशन के लिए। किसके लिए? वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन के लिए हमें अपना विंडो को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, बात करेंगे इसके अंदर कि जो आपका वेंटिलेशन के को प्रोवाइड करेंगे और उसका हाइट क्या होगा। तो क्या होता है कि यदि आपका ये फ्लोर लेवल है, मान लो ये आपका फ्लोर लेवल है, यदि ये आपका फ्लोर लेवल है, हाँ, यदि आपका ये फ्लोर लेवल है, तो इस फ्लोर लेवल से आपको 0.7 मीटर की हाइट पे अपनी विंडो को प्रोवाइड करना होता है। तो ये बात तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका फ्लोर लेवल है उससे 0.7 to 0.9 मीटर की हाइट पे आप अपनी विंडो को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे आप उनको आसानी से खोलने में उनको दिक्कत ना हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये होती है कि बोला जाता है आपसे कि फ्लोर एरिया का कितना एरिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान, सेकेंड स्पेसिफिकेशन ये है कि विंडो का जो एरिया होता है, विंडो एरिया शुड बी 15 to 20% ऑफ द फ्लोर एरिया। जो आपका फ्लोर एरिया होगा, उस फ्लोर एरिया का 15 to 20% का एरिया, परसेंट ऑफ एरिया आप यूज करते हैं विंडोज बनाने के लिए, ये बात ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डोर के बारे में। जो फर्स्ट टाइप का डोर है, इसको ये नाम बताओ कौन सा डोर है। फर्स्ट टाइप का जो डोर है इसको हम बोलते हैं लोअर डोर, लोअर डोर, ठीक है। ये आपके कुछ स्पेसिफिकेशन को ध्यान रखेंगे। पहला हम बात करेंगे आपका कि ये जो आपका लोअर डोर है वो कौन सी होती है, ठीक है। ये आपकी शेप इनकी ऐसी होती है, ये कहाँ पे यूज करते हैं इन लोअर डोर को। इनका जो मेन पर्पस होता है वो प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी, प्राइवेसी एज वेल एज वेंटिलेशन कंसर्न। जब भी आपको वेंटिलेशन कंसर्न हो एंड द प्राइवेसी को कंसर्न करना हो, तो उस वाले केस में आप लोअर डोर को प्रोवाइड करते हैं, ओके। हाँ, यूज इन सीपीडब्ल्यूडी रिकमेंडेशन, हाइट ऑफ सिल, हाँ वो बताऊंगा मैं अभी आपको क्या है, अभी ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, ये आपका लोअर, जिसको हम लोअर डोर भी बोलते हैं, ये यूज की जाती है आपके वेंटिलेशन कंसर्न के लिए और प्राइवेसी भी, मतलब क्या है, आपको प्राइवेसी भी करना है, हाँ, जो आपका प्राइवेसी का एरिया है वो आपका वो भी करना है, साथ में आपको वेंटिलेशन भी कंसर्न करना है, उसको आपको करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखनी पड़ेंगे। कहाँ पे यूज़ करते हैं इनको, तो जो आपके जहाँ पे जो आपके लैट्रिन्स वाले पार्ट हैं एंड अ बाथरूम में प्रोवाइड किया जाता है, ये वाला विंडो, ये वाला डोर आपका प्रोवाइड किया जाएगा, सॉरी विंडो बोल रहा हूँ, डोर इसका विंडो भी होता है वैसे, विंडो भी होता है, ठीक है। ये आपका विंडो भी प्रोवाइड करते हैं और आपके डोर भी प्रोवाइड करते हैं, ये आपकी लोअर डोर होती हैं, बात समझ सभी को। सेकंड हम जो बात करेंगे, इससे भी पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक होता है आपका रिवॉल्विंग डोर, ठीक है। रिवॉल्विंग डोर कौन सी होती है, तो रिवॉल्विंग डोर में क्या होता है, एक सेंट्रल पार्ट में आपका पायोवेट होते हैं और वो क्या होगा, पूरा पूरा जो डोर होगी इस सेंट्रल पार्ट के अबाउट घूम जाएगा, ओके। और इन सबको जो हम प्रोवाइड करते हैं वो वहां पर करते हैं जब भी आपका पब्लिक बिल्डिंग हो, बिल्डिंग हो, मॉल हो, वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं, ओके, वहाँ पे इनको यूज़ करेंगे। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं आपका स्लाइडिंग डोर। ये क्या है, ये आपका प्रोजेक्शन मैंने आपको दिखाया स्लाइडिंग डोर का, ये आपका बहुत चलन में आजकल है ना,
हाँ सब बाथरूम में लवर डोर, हाँ वही है ना, वो बताया ना मैंने आपको, लवर डोर यूज करते हैं बाथरूम में, वो बता चुका हूँ मैं आपको। ओके तो देखो ये क्या होती है, ये आपकी जो स्लाइडिंग डोर है इसके अंदर दो चीजें होती है, इनको हम शटर स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम शटर स्लाइड भी बोलते हैं। और जो आपका शटर स्लाइड है इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं? जो आपका बैंक ऑफिस है वहां पे यूज करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो बेसिकली चीज होती है वो आपका एक, ये आपकी रेल होगी, ये वाला रेल वाला पार्ट होता है रेल, जिसपे आपका ये वाला जो डोर्स है ये स्लाइड करते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरा आपका रनर होगा, ये वाला पार्ट आपका रनर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका रेल और रनर पार्ट होता है, उनको हम शटर स्लाइड बोलते हैं। शटर स्लाइड डोर होते हैं, इनको हम स्लाइडिंग डोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग डोर, ठीक है। ये जो यूज किए जाते हैं ये बेसिकली आपका यूज किए जाते हैं जहां पे आपका बैंक हो, बैंक में यूज किए जाते हैं बेसिकली, बैंक एंड द ऑफिस में यूज करते हैं इनको। बात समझ आई? नहीं आई? ओके थर्ड जो हम बात करेंगे ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम कोलैप्सिबल स्टील डोर बोलते हैं। कोलैप्सिबल स्टील डोर, ये जो आपका कोलैप्सिबल स्टील डोर है इसको हम कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर आपके हैंडल्स भी होंगे और ये आपकी स्टील के बने होते हैं, कोलैप्सिबल डोर, ठीक है। तो क्या होंगे इनका जो स्टील चैनल्स होते हैं, ये इनके अंदर आप स्टील चैनल्स यूज करेंगे, जिनका जिनका डायमेंशन आप यूज करेंगे जो आपका 16 to 20 mm वाइड होते हैं, 20 mm वाइड होते हैं, ठीक है। ये आपके स्टील के बने होते हैं, ओके। ये क्या होंगे, ये आपके 16 to 20 mm का वाइड होते हैं और इनका जो थिकनेस होता है वो 5 mm का थिकनेस होता है। इसके अंदर हम हिंज भी प्रोवाइड करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपके साइड सारे हिंज वाले पॉइंट है, तो इनके अंदर हम हिंज भी प्रोवाइड करते हैं, हिंज, ओके। इनको हम हिंज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनको कहाँ पे यूज करेंगे बोलो, इनको कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। जब भी आपका सिक्योरिटी, हाँ, लिफ्ट में यूज करेंगे बेसिकली, जहां भी आपका सिक्योरिटी पर्पस होगा वहां पे यूज करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे, ओके। ये बात ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, और एक बात, और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आपसे कि ये जो आप गैप छोड़ते हैं बीच में, दो स्टील के बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है, तो वो जो गैप होता है वो 12 से 20 mm का गैप होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका एक विंडो और बता देना चाहता हूँ आपको, वैसे टाइप्स ऑफ विंडो मैं आपको बताऊंगा पहले ही, बट मैं यहाँ पे आपका एक विंडो और लाया हूँ, वो कौन सा, आपका लवर्ड विंडो भी होती है, जैसे आपका लवर्ड डोर भी होती है जो आप बाथरूम्स में प्राइवेसी के लिए यूज करते हैं, वैसे आपका विंडोज भी होती है। इसके अंदर क्या होता है, दो चीजें आप कर सकते हैं कि इसके अंदर वेंटिलेशन भी होता है, वेंटिलेशन भी आराम से हो जाता है और प्राइवेसी भी होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या होता है, दोनों चीजें हो सकती हैं इसके अंदर, इसके अंदर आपकी दोनों चीजें होंगी, तो ये क्या होंगी, ये आपकी लवर्ड विंडो होंगी, ओके। चलो ये विंडो वाला पोर्शन मैं आपको कराऊंगा बाद में, और मेन मेन चीज आपको बता चुका हूं मैं आपको कि कौन कौन सी होती है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि आपको बहुत कम समय में आया आज। और देखो बेसिक चीज बता देना चाहता हूँ कि बेसिक आपको पता होना चाहिए, टिम्बर पैनल क्या होते हैं, हेड ऑफ फ्रेम क्या होते हैं, किसको हम पैनल कोट बोलते हैं, बॉटम रेल क्या होती है, फिनिश फ्लोर क्या होते हैं, उनकी जो डायमेंशन है वो मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो जो आपका डायमेंशन है वो मैं बता दूंगा आपको, बट अभी जो मेन पर्पस मेरा यहाँ पे ये था कि जो बेसिक टेक्निकल टर्म्स हैं वो बता होना चाहिए आपको, फिर आपको मजा आएगा कि कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी होती है। जैसे आपने बताया रिबेट, रिवेल, होल्ड फेस्ट, हॉर्न्स, टिम्बर पैनल, ये कौन से होते हैं, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनको इनको यदि नहीं समझ में आया तो कल को मैं आपको थोड़ा जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं फील्ड में उनके इमेज लेके आऊंगा और उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ओके। तो ये जैसे मैं विंडोज के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और इनके अंदर ग्लास ग्लेज्ड पार्ट कौन सा होता है ना, तो उनके बारे में बता देना चाहता हूँ आपको। ये आपका आईएस कोड 4021 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, ओके। तो चलो फिर, जो आप ये डायमेंशन था मैं सोचा आप याद कर लोगे, बट ये समझ में नहीं आ रहा तो कल मैं आपको इमेजेस से समझा दूंगा कि जो आपका इमेजेस है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है, मतलब हाँ नेक्स्ट क्लास में
जो इमेजेस होंगे उनसे समझा दूंगा कौन से पार्ट को कौन सा बोलते हैं और रिबेट वाला पार्ट कौन सा जो हम फील्ड में यूज करते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू दिस वीडियो और लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए मुझे 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 फिगर चाहिए चाहिए होगा। ठीक है, फिगर से दिखा सकता हूँ मैं आपको, नहीं तो मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, मैं फिगर से समझा दूंगा आपको। तो मैं कल आपका स्पेसिफिकेशन जो है उसे बाद में समझाऊंगा, पहले आप इमेज समझेंगे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो आपके कंपोनेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे उनको समझा दूँ। चलो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।